देबू अपनी अड़ी बाल बाल कहाँ गए आपके देबू कहाँ गए बाल जो ये पता होगा कुछ आ जाए। हाँ जी जय माता दी जय श्री राम जय श्री राम। सो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सिमसा माता मंदिर और त्रिवेणी जाएंगे और कूट महादेव, जो कि हमारे पास ये यहाँ 5-7 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। तो ये रास्ते का व्यू दिखाते हैं, 3 मंदिर है और एक जगह 2 नदियाँ मिलती हैं। तो अभी सारे जा रहे हैं, दीदी वगैरह आगे जाएंगे, आगे गाड़ी में बैठेंगे। ये चाचा की गाड़ी है, ये जीजा की, अरे गाड़ी हमारी आगे है तो हम इसमें बैठ रहे हैं। अभी सभी अभी फैमिली वाले ज़्यादा हैं और गाड़ी हमारी 3 ही है, तो देखते हैं इसमें आ पाते हैं अभी सारे के नहीं तो दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। एक ये सग्गू कहाँ जा रहा है? जय माता दी। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, वो उस साइड जाएंगे, फिर उधर से वापस आएंगे और उस साइड जाएंगे, नीचे गुफा वगैरह है केव, अगर वहाँ जाएंगे शायद तो, और फिर वहाँ से पूरी पहाड़ी से उधर से घूम के वो उसी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे जाएंगे, उधर जाके है जहाँ नदियाँ मिलती हैं, ब्यास नदी है, रिवर है जो वहाँ से आती है, वहाँ जाके टच होती है उस रिवर के साथ, जिस जो रिवर आती है ऊपर से बैजनाथ से होके वहाँ पे, फिर वहाँ से दोनों मिलके आगे जाती हैं। तो वहाँ दिखाते हैं आपको आगे। चलो 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 गागल, यहाँ से सिमसा माता 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर। जय सिमसा माता। हर हर महादेव। ये हमारी गाड़ी यहाँ ऊपर जाएगी, ये है शारदा माता सिमसा माता, आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी ऊपर वो सामने मंदिर दिख रहा होगा और ऊपर गाड़ी करने के लिए पार्किंग है। तो ये है संतान दात्री सिमसा माता का मंदिर। तो यहाँ पे मान्यता यह है कि नवरात्रों में या जब भी, वैसे मोस्टली नवरात्रों में ही होता है, जो औरतें जिनको बच्चे वगैरह नहीं होते हैं या बांझ होती हैं वो यहाँ पे आती हैं और मंदिर में 2-3 दिन हफ्ता सोती हैं नवरात्रों में, 9 दिन, और उनको एक स्वप्न होता है, स्वप्न में एक छोटी सी लड़की आती है जो कि वो कोई फ्रूट वगैरह देती है और उसी फ्रूट के हिसाब से उनको बच्चा होता है, उसी फ्रूट से पता चल जाता है कि वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो मतलब 100 में से 90% तो हो जाते हैं, कई बार जिनको ना होना होता है उनको चींटियाँ लग जाती हैं स्वप्न में ही, कई बार नहीं होता है, ये होता है। तो जैसी जहाँ मान्यता है वैसे वहाँ विश्वास है और वहाँ उनकी मनोकामनाएँ पूरी भी होती हैं। तो जय माता दी। अभी अंदर का व्यू दिखाते हैं हम आपको। जय माता दी। जय माता दी। जय शारदा माता दी। जय शारदा माता दी। जय सिमसा माता दी। जय सिमसा माता दी। जय शिशुदात्री माता दी। जय शिशुदात्री माता दी। जय माता दी। ये हमारी माता है, भाई ले जा रहे माता को। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। देबू अपनी अड़ी है। बाल बाल कहाँ गए आपके? देबू कहाँ गए बाल? जो ये पता होगा कुछ आ जाए। हाँ जी। तो अभी मंदिर में पहुंच गए हम, ये है सिमसा माता संतान दात्री माता का मंदिर। अभी यहाँ स्तूप वगैरह हमने खोल लिए हैं, अब ऊपर जाएंगे। ये देखो बच्चा नीचे। जय माता दी। छोटा सा बच्चा क्या बाद में लेट दे, बच्चा खेलने के लिए अभी ले लिए क्या? बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए, वो तेरे लिए नहीं है। मैं बच्चे किस एंगल से लग गया
जय माता दी, जय माता दी। 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 अभी ये प्रांगण पहले नहीं था, यहाँ पे अब और खुला हो गया औरतों को सोने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे पानी है जो कि गर्भगृह से निकलता है, तो उसको हम आंखों वगैरह में लगाते हैं। मान्यता है कि उससे हर चीज़ ठीक हो जाती है, जो भी कोई रोग होता है कुछ होता है, और हल्का सा उसको चरणामृत की तरह पी लेते हैं, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम अंदर गए थे तब बारिश नहीं थी, मौसम बिल्कुल सही था। अब देखिए पीछे बारिश हो रखी है, पानी बहुत है। अभी हल्की हल्की कम होगी, नहीं तो काफी तेज बढ़ रही है थोड़ी देर पहले। जय माता दी, जय जय माता दी। सिमसा माता संतान दात्री माता सिमसा, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आपको भी कहीं किसी को कभी आना होगा सिमसा माता, तो आ सकते हो आप। दिल्ली से बैजनाथ की सीधी बस है, और बैजनाथ से सीधा सिमस के लिए बस आती है, वहाँ आ सकते हो आप, दर्शन कर सकते हो माता के। और कभी कोई औरत या किसी को बांध जाए, किसी को बच्चा वगैरह कुछ नहीं होता है, तो भी यहाँ आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय माता दी, सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। छत्ती साढ़े चार से होने पर जड़ोलन देने बच्चे से तिथि होने। हाँ जी, असम लो हरी ना वाला कहाँ अपनी लाड़ी को मनना पौनी, क्योंकि छत्ती सारी मम्मी हरी कोल जी अहाँ जो अपनी मम्मी हरी भी मनना पौनी, लेकिन जत दे उतरनी हर बच्चे हरी तो हर लाड़ी को जाए उतर। हमारे कैलो देवता हैं, कहते हैं ये पत्थर इसलिए मारा जाता है कि उनको सुनाई दे। कैलो देवता बह रहा है, इसको जगाना पड़ता है, पहले जगाने के बाद फिर इनकी पूजा पाठ करते हैं, जो भी पूजा अर्चना जगाने के बाद करते हैं। जय जय हो, 1 2 3 जय माता दी, जय माता दी। ये पहले नहीं था यहाँ पे बना हुआ, अब पूरा बैठने के लिए बन गया है। ये पहले यहाँ से खाई दिखी थी पूरी। जय माता दी, जय माता दी। फोटो नहीं ले रहा हूँ मैं। हेलो जी, वो जो नीचे आपको शायद नदी दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी कैमरे में, दिख रही है वैसे तो वही नदी है ब्यास रिवर, और साथ में बिनवा रिवर है, जो दोनों इकट्ठी होती हैं। अभी हमने माता के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम आए हैं माता के मंदिर के साथ ही है, साइड पॉइंट व्यू है जहाँ से नीचे का व्यू दिखता है, जो रिवर है ब्यास रिवर जो हिमालय से आती है, ऊपर कुल्लू मनाली से व्यू पर आती है, ऊपर से आती है। और एक दूसरी रिवर है जो बिनवा है रिवर है, जो बैजनाथ है जिला कांगड़ा उस साइड से आती है, वो दोनों आके वहाँ मिलती है नीचे पॉइंट पे। उस संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम। दो नदियाँ ब्यास और बिनवा हो गई, और एक नदी है
जो वहीं पे निकलती है उसको बोलते हैं गंगा। तो यही तीनों नदियां मिलके व्यास रिवर का एक निर्माण करती हैं, जो कि बड़ी हो जाती है, आगे विस्तार में बढ़ती है, और इसी संगम को हम कहते हैं त्रिवेणी। तो जय माता दी। तो मिलते हैं आपसे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग अगर नीचे हम त्रिवेणी संगम में जाएंगे, जो व्यास रिवर अभी हमने बताई, तो हम वहाँ का ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे, वहाँ का व्यू भी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार जगह है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बनिए रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।